ये ले मेरे 10 रुपए लाल पे, लाल पे। हाँ लाल जीतेगा, लाल जीतेगा। अरे धक्का भी मारता है। शाबाश मेरे, शाबाश। मार 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 साले को, मार 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 मार। एक दिन तो इसमें क्यों आता है? मार, हाँ मार 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 मार। ये क्या ये बना हुआ है? अब भागा मजा। अबे जल्दी आ, ये दूसरे मुर्गे ला रहे हैं। अबे मेरे को चुप लगा दे, वो भी निकाल। इन पे लगा, इन पे। चलो उठ 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 अरे उठ उठ यार, क्या कर रहा है तू? चला उठ, मार मार और मार। अबे कलवे के जीजे, मेरे पैसे पहले गिनती तो कर मेरे बाप। ललुए, एक दो तीन चार पांच छह आठ नौ। कहाँ चले गए? नौ दस बस। चलो। अरे हवलदार खींचता क्यों है? अरे बच के जाएगा कहाँ? अरे देख लूंगा। हाँ देख लेना। मैनेजर साहब, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर बाद में बिगड़ना। उस आदमी ने जबरदस्ती मुझसे झगड़ा किया था, मैं क्या करता? जब भी तुम कहीं घूमने फिरने निकलते हो, तुमसे कोई ना कोई जबरदस्ती झगड़ा कर लेता है। भोपाल में भी ऐसा ही हुआ था। भोपाल में तो उसने मुझे गाली दी थी, और उससे पहले जबलपुर में खुदा के मुझसे टकराया था, और फिर ग्वालियर में। ग्वालियर में वो दारू पिए था ना? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। साहब आप ठहरिए, मैं थानेदार साहब को समझाता हूँ। थानेदार साहब बात। अरे साहब को मैंने समझा दिया, समझे? वो समझ गए हैं, समझ चुके हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो फिर चले? चलो चलो। और सुनो, सलाम करो, सलाम करो, यहाँ के हाकिम हैं। सलाम कल भाभी जी और पांचों, भगवान की दया से पांच हैं इनके, आ रहे हैं सर्कस देखने। जोगी ठाकुर, चल बेटे दादा चल। मिस्टर साहब, ये वही जोगी ठाकुर तो नहीं जिसके आदमी बचपन में मुझे आपके सर्कस के पास छोड़ गए थे? अरे हुआ भी तो क्या, अब क्या तू उसे ढूंढने जाएगा? हाँ मैनेजर साहब, जोगी ठाकुर से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन बेटे तू उसे ढूंढेगा कहाँ? खबर मिली है कि जोगी ठाकुर अकालगढ़ की तरफ गया है। अकालगढ़? तू चल बेटे चल। तो नहीं मानेगा बेटे। अच्छा मैनेजर साहब, कहा सुना, माफ करना। दारा मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे छोड़कर। हाँ मैनेजर साहब, सरकार को जोगी ठाकुर जिंदा या मरता चाहिए, और मुझे सिर्फ जिंदा चाहिए, क्योंकि जोगी ठाकुर ही बता सकता है कि मेरे माँ बाप कौन थे और मैं कौन हूं। मगर दादा, इससे पहले कि तू उसे पकड़ के अपने बारे में पूछे, किसी ने उसे मार दिया तो? नहीं मैनेजर साहब, जब तक मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल जाता, मैं जोगी ठाकुर को मरने नहीं दूंगा। किसने पत्थर फेंका? बनवारी रघु, किसने की जरूरत इतनी? रघु देखो कौन है बाहर, देखो किसने पत्थर फेंका। सरकार, इस पत्थर के साथ ये चिट्ठी भी है। चिट्ठी पढ़ो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पढ़ो जी। राजा सिंह उर्फ राजा साहब को हम बताए चले कि हम जेल से वापस आ गए हैं। अब तो भगवान भी तुमको मरने से नहीं बचा सकता। तुम्हारा
बाप जोगी ठाकुर। जोगी पैर जल्दी चल भाग, जल्दी आ जाओ, निकल जा जल्दी, जल्दी निकल जा राजाओ, ले जाओगे बच्चे। कप्तान, बेईमान सूअर की औलाद, अब तुम क्या बताएं? उसको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अरे इधर कोई रात गुजारने की जगह है? हाँ है, बैठ। वहाँ सामने दाहिने हाथ को नज्जा दादा की सराय, जानवर अच्छा है, अच्छी नस्ल का है। हाँ, इसका बाप कई रेसे जीत चुका है। अरे बाप जीता होगा रेस घोड़े बेच के, इसकी बात करो इसकी। अगर बेचना है तो अच्छे दाम दे दूँ मैं, अपना बहुत बड़ा कारोबार है घोड़ों का। है अरे छुटके, यहाँ पर कोई कमरा वमरा मिलेगा? जी हाँ, आपके घोड़े को दाना पानी डालू क्या? यहाँ हमारा अस्तबल है। ठीक है, कमरा जी वहाँ पर है। यहाँ से अकालगढ़ कितनी दूर है? अकालगढ़ मैं तो कभी गया नहीं, मगर सुना है यहाँ से 3 दिन का रास्ता है। अच्छा तो तुम भी जा रहे हो अकालगढ़? यहाँ महीने 2 महीने में कोई एक आध आता था अकालगढ़ आने या जाने वाला, और अब दोपहर में 3, शाम को 1, और अब तुम जिसे देखो अकालगढ़ का पता पूछ रहा है। वो देख रहे हो काला घोड़ा जिसे घास खिलाई जा रही है? वो भी अकालगढ़ की सवारी है, तुम्हारी उम्र का छोकरा है। वो देखो, वो देखो सामने, वो देखो नीचे आ रहा है। जोगी ठाकुर को क्या पकड़ेगा? क्या तुम समझ से मुश्किल है? क्या मुश्किल है? अरे जोगी ठाकुर एक आदमी है ना, तो क्या हुआ? अरे हम 4 आदमी हैं, मेरे 3 आदमी ऊपर सोए हुए हैं। एक बात बता दूं तुमको, जोगी ठाकुर डाकू है तो हम भी बहुत पापी हैं। जोगी ठाकुर की मौत हमारे हाथ से होगी। अरे इनाम के 50,000 रुपए हमको ना मिले तो मेरा नाम कुत्ता रख देना, कुत्ता। कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा ही जोगी ठाकुर को मार के ले जाए, 50,000 रुपए जीत जाए और उस ताजर उसका। कौन कौन दूसरा? किसकी बात कर रहा है बोल, किसकी बात कर रहा है तू? वो ए, तुम जा रहे हो कालगढ़? ए तुम, क्या नाम है तुम्हारा? बेटे बच्चे, मैंने नाम पूछा तुम्हारा, बताया नहीं तुमने, क्या नाम है तुम्हारा? रात बहुत हो चुकी है पर मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो तू अपना नाम नहीं बताएगा? सुनो, तुमने बहुत पी ली है, तुम भी आके सो जाओ। जब मैं किसी से उसका नाम पूछता हूं तो वो अपना नाम बताता है, तुम भी अपना नाम बता के जाओगे? किसी और को पूछना मेरा नाम,
मेरा नाम करण है, करण। घबरा मत यार, पट्टी बंधवा और चल मेरे साथ, साले की लाश बिछा दूंगा। हाँ, साले की हिम्मत कैसे हुई उस्ताद पे वार करने की? मैं तो धोखे में मारा गया यार, चाकू कब निकाला उसने मुझे पता ही नहीं चला। वो भी तो अकाल गाड़ी जा रहा है, रास्ते में बियाबान जंगल है, कहीं वह भी मार के फेंक देंगे साले को। रास्ते में देखते साले का चाकू वाकू, समझा कर यार, कहीं अपने हाथों से मारा गया तो आगे का सारा खेल बिगड़ जाएगा। अकालगढ़ जाना है या नहीं? नहीं। कौन हो तुम उस्ताद? क्या यही? नहीं नहीं, ये नहीं था। अबे क्या बात, अबे बात सिर्फ इतनी है कि आप लोग अकालगढ़ नहीं जा रहे। देखिए इस हाल में इनका अकालगढ़ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? देखिए आप लोग कितनी भी जिद कर लीजिए, लेकिन मैं इस हालत में इन्हें अकालगढ़ नहीं जाना। कल सुबह होने से पहले आप लोग वापस जा रहे हैं। वापस जहां से आए थे। अकालगढ़ ना आप लोग जाएंगे और ना वो। परशुराम, ओ परशुराम। कौन कौन? अबे देख कोई घोड़ा तो नहीं ले जा रहा है वो टट्टू? ओए चिड़िके, ओए परशुराम। तुम क्या है इतने सवेरे सवेरे? घोड़ा बेच रहा हूँ, खरीदोगे? अबे सूरज निकलने के बाद भी घोड़ा बेच सकते हो? घोड़े बेच के, घोड़ा बेचने का यही वक्त मिला था तुम्हें? हाँ बेच तो सकता है, मगर फिर इतना सस्ता नहीं मिलेगा तुम्हें घोड़े बेच के।